ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त के अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पटना के गांधी मैदान में बम विस्फोट, मची अफरा तफरी, कई घायल। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मैं वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। ऑस्कर अवार्ड्स में दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट की रही धूम, वॉकिन फिनिक्स और रेने ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। और राजधानी जयपुर के यादगार मुख्यालय में मनाया गया रोड सेफ्टी वीक, निशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान इलाके में आज सुबह बम विस्फोट की खबर से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक एक घर में बम विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें एक वृद्धा की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि इस घर में बम रखा गया था। 2 घरों को नुकसान पहुंचा है। घायलों को PMCH अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि 2 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं उस मकान में रहने वाले कई लोग भी नीचे जा गिरे। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2 जोरदार धमाके हुए हैं। बम धमाके के कारण जहां कमरे की दीवार गिर गई, वहीं रूम में लगा दरवाजा भी टूट गया। साथ ही आसपास के मकान की खिड़कियां भी चटक गई। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया बम ब्लास्ट बताया है। पुलिस का कहना है कि FSL की टीम आने के बाद ही विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध और समर्थन में प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो सही मायने में मर्द मुजाहिद कहलाएगा। मैं वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो सीना दिखाएंगे कि मार गोली, मार दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है। ओवैसी पहले भी CAA और NRC को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने CAA को भेदभावपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि इस कानून से मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। दुनिया के प्रतिष्ठित 92 अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में इस बार दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट की धूम रही। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के लिए बोंग जून हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं फिल्म जोकर में शानदार अभिनय के लिए वॉकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इससे पहले क्विंटिन टेरिटिनो की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में बेहतरीन अभिनय के लिए ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला है, जबकि लॉरा डर्न सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री चुनी गई है। वहीं फिल्म 1917 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर से नवाजा गया है। इसके अलावा फिल्म टॉय स्टोरी 4 को एनिमेटेड फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर मिला है। एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर का इस श्रेणी में यह 10वां ऑस्कर है। राजधानी जयपुर में आज यादगार मुख्यालय में रोड सेफ्टी वीक के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ रोड सेफ्टी वीक के बारे में भी जानकारी दी गई। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि रोड सेफ्टी वीक के तहत यातायात पुलिस के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिससे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और इसके साथ ही अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जाकर सड़क दुर्घटना की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहर भर के सभी चौराहों पर पंपलेट बांटे जा रहे हैं और बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। इसी के चलते वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक मुख्यालय में हेल्थ चेकअप, आई चेकअप का शिविर लगाया गया है, जिसमें कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर का हेल्थ चेकअप भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 31st रोड सेफ्टी वीक 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत यातायात पुलिस जयपुर द्वारा डिफरेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिससे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को हम कम कर सकें। और इसके तहत डिफरेंट शिक्षण संस्थान में जाकर स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा रहा है, ट्रैफिक पार्क में बच्चों का भ्रमण करवाया जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको जानकारियां दी जा रही हैं। जयपुर शहर के मुख्य चौराहों पर पंपलेट, पोस्टर, रिफ्लेक्टर का वितरण किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि होने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। हमारा उद्देश्य यही है कि बढ़ती दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में फेस्टिवल में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
सोशल मीडिया पर मामले की आपबीती बताने के बावजूद प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेने से खफा छात्राएं आज कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी छात्रा ने अब तक कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन इस पूरी घटना से छात्राएं काफी गुस्से व सख्ते में हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। कॉलेज प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बीते 6 फरवरी की रात को वार्षिक फेस्ट में हुड़दंगियों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ट्रस्ट गठन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बढ़ गई है। आरएसएस के आनुषंगिक संगठन बजरंग दल के नेतृत्व में इसे लेकर विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें घरों व मंदिरों में अलग जगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए 28 फरवरी से 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन होगा। संघ के प्रांत स्तर पर जुड़े 21 जनपदों के संयोजकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, मंदिर निर्माण में हर वर्ग के हिंदुओं की भागीदारी, धर्मांतरण पर रोक लगाने की रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा होगी। अधिवेशन को संबोधित करने के लिए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अम्बरीश और प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना मौजूद रहेंगे। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की करीब 14 साल बाद बीजेपी में घर वापसी होने वाली है। इसके लिए तारीख तय हो गई है। 17 फरवरी को रांची में एक भव्य कार्यक्रम में जेवीएम का बीजेपी में विलय हो जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर मौजूद रहेंगे। दोनों नेताओं की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी जेवीएम का बीजेपी में विलय की घोषणा करेंगे। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान ओम प्रकाश माथुर भी मौजूद थे। तीनों नेताओं में करीब एक घंटे तक विलय को लेकर विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक विचार विमर्श के बाद विलय की तारीख 17 फरवरी तय की गई। इससे पहले शनिवार को बाबूलाल मरांडी की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इधर 11 फरवरी को रांची में जेवीएम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेवीएम का बीजेपी में विलय का प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की सहमति मिलने पर जेवीएम का बीजेपी में विलय हो जाएगा। लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। पीएसए डोजियर में दोनों नेताओं की हिरासत की वजह यह बताई गई है कि 49 वर्षीय उमर ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की पूर्व संध्या पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने को लेकर भीड़ को उकसाने का काम किया था। उमर ने इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लोगों को भड़काया था, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। हालांकि डोजियर में उमर के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र नहीं है। वहीं उमर की राजनीतिक प्रतिद्वंदी और 60 वर्षीय पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्र विरोधी बयान देने और जमात इस्लामिया जैसे अलगाववादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है। इस संगठन पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत पाबंदी लगाई गई है। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो गई है और इसके संक्रमण के 40,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि इससे 97 और लोगों की जान चली गई और 3,062 नए मामले सामने आए। आयोग के अनुसार 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में इससे अब तक कुल 908 लोगों की जान जा चुकी है और कुल 40,171 मामलों की पुष्टि हुई है। उसने बताया कि 296 मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गए, 6,484 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और 23,589 लोगों के इससे संक्रमित होने की आशंका है। वहीं कुल 3,281 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल में छुट्टी भी दे दी गई है। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र से हैवानियत को भी शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां दहेज में सब कुछ मिलने के बावजूद भी दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता का जीना दूभर कर दिया। पीड़िता के अनुसार पति समेत उसके ससुराल वाले उसका उत्पीड़न करते थे, जिसके बावजूद भी वह सब कुछ सहकर अपने घर की इज्जत को समेटे रही और आज हैवानियत की हर हद को पार कर उसके पति ने पहले उसे 3 तलाक दिया और फिर अपने घर वालों के साथ मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ धारा 498A, 307 व दहेज प्रतिबंध अधिनियम 3-4, मुस्लिम महिला अधिनियम 3-4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी तकलीफों से जूझ रही है और अपनी आपबीती अपनी जुबानी बयां की है।
बहन के साथ मेरी बहन की जो सुबह तलाक दिया, फिर उसे घर में बंद करके जला दिया। किन्होंने जलाया? उसका शौहर ने जला दिया, बाप ने जलाया, माँ ने और बहन ने, चार जने ने घर में कमरे में बंद करके जला दिया। बात क्या ये, खाली दहेज देने पे भी कहते थे मांग मांग के लेकर अपने बाप के से, क्या पता क्या मांग के लेकर। तो इस चक्कर में हमारी बहन जो दबी रहती थी, तो हमें कुछ नहीं बताती थी वो। अब बहन जो है डेंटल में है, कहाँ पे? मुरादाबाद? मुरादाबाद। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, बिल्कुल खत्म है। हम ये चाहते हैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई चाहते हैं हम इसके ऊपर। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।